हेलो वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ माय लद्दाख एक्सप्लोरेशन सीरीज। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो है बेसिकली है प्रिपरेटरी वीडियो। मैं कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या क्या तैयारी की है मैंने, क्या लेके जा रहा हूँ, क्या नहीं लेके जा रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आपको इस वीडियो में बस वही दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में मैं बाकी आपको जो भी बताना होगा वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या तैयारी की है और मैं साथ में क्या लेके जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये 3.5 हफ्ते का ऑलमोस्ट ट्रिप होने वाला है तो मैंने 7 जोड़ी टी शर्ट ले लिए। ये हो गया थर्मल इनर और ये हो गया कैप और ये नेक के लिए है। ये टॉवल ले लिया मैंने और ये मेरा इनर्स है। ये मैं पहन के जाऊंगा। ये बहुत ही थिन और ब्रीदेबल फैब्रिक का है जो हीरो का है। मैं हीरो डॉट बाइकिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था तो सेकेंड राउंड क्वालिफिकेशन के बाद मुझे ये मिला था। दिस इज़ फ्रॉम हीरो। हीरो का ये ऑफिशियल मर्चेंडाइज है। ये रहा मेरा जैकेट ठंड के लिए। शर्ट मैं ले रहा हूँ सिर्फ 2 पेयर्स। जीन्स मैंने ले लिए 2 और एक कार्गो और एक कैप ले लिया मैंने। और ये मेरा राइडिंग जैकेट है, राइनोक्स का स्टेल्थ ईवो। ये लेवल 2 प्रोटेक्शन राइडिंग जैकेट है। और ये मेरा हेलमेट, ये मेरा ग्लव्स है राइडा कंपनी का, ये मेरा लेग गार्ड है राइनोक्स का। हेलमेट आपने देख लिया, हेलमेट पे मैंने अपना चैनल का नाम भी लिख दिया है। ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, मैं इसे लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस हफ्ते जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुंचता तब तक मैं काम कर रहा हूँ। दिल्ली पहुंचने के बाद फिर मैं छुट्टी पे हूँ। सो ये एक हफ्ता मुझे काम करना है तो इसलिए मैं ऑफिस का लैपटॉप लेके जा रहा हूँ। ये कशन है बाइक के सीट के ऊपर डालने के लिए और कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले रहा हूँ, पोछने के काम आएगा बेसिकली। और ये रहा मेंटेनेंस किट। ये मोटुल का C1 C2 है, चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन। और WD-40 मैंने ले लिया है मल्टीपर्पज़। ये क्लीनिंग और लिब्रेटिंग दोनों काम करता है। ये है टायर इन्फ्लेटर, पंक्चर किट भी है वो मैंने बैग के अंदर डाल दिया है, टायर इन्फ्लेटर है। और ये मेरा गोप्रो मैक्स का रॉड है। ये मैंने कुछ टूल्स ले लिए हैं, बाकी मेरा गाड़ी का जो बेसिक उसके साथ आया था वो है, वो ऑलरेडी गाड़ी में है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पैनर्स वगैरह खरीदे थे तो वो गाड़ी में है। और ये एक गोप्रो माउंट है जो मैं हैंडल में लगाऊंगा, सुबह ही लगा दूंगा जाने से पहले। और ये भी गोप्रो का एक्सेसरीज ही है। और इस बैग में ये इसमें मेरे गोप्रो के जितने भी अटैचमेंट्स वगैरह है सब उसमें आ गए। ये रोलर है, ये काम आता है अगर आपको टायर को घुमाना हो तो उसमें चढ़ा के आप घुमा सकते हो बेसिकली, अगर पंक्चर हो गया या फिर अगर आप चेन ल्यूबिंग क्लीनिंग कर रहे हो देन ये बहुत काम आता है क्योंकि आप हर जगह पैडॉक स्टैंड तो कैरी नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये एक कार्बोनाडो का मैंने एक बैग ले लिया है। ये वेस्ट में टाई होता है और थाई में, बेसिकली ये रेस्ट करता है थाई के ऊपर। सो इसमें आप एसेंशियल चीज़ें रख सकते हो। मैं इसमें बेसिकली पावर बैंक, मोबाइल, वॉलेट वगैरह आप रख सकते हो। तो मैंने इसको बेसिकली लिया है पावर बैंक रखने के लिए ताकि मैं गोप्रो का कैमरा, गोप्रो का बैटरी वगैरह चार्ज कर सकूं। और ये है मेरा DSLR US-80D कैनन का। मैंने एक मास्क ले लिया, एक बैंडाना ले लिया है और ये राइडिंग जैकेट का जो वेस्ट में बांधते हैं ये वो है। तो इसे बेसिकली वेस्ट में ज़्यादा पेन नहीं होता अगर आप लॉन्ग राइड पर जाते हो तो ये हेल्पफुल है, तो मैंने ले लिया है। ये वाटर बॉटल मैंने ले लिया है जिसमें टेम्परेचर भी दिखाता है। और ये हो गया GoPro Hero 11, ये मैंने नया लिया है, मैंने अपग्रेड कर दिया GoPro Hero 8 से Hero 11। अभी भी Hero 8 मेरे पास है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस इज़ Hero 11। इसके साथ 3 Enduro बैटरीज भी हैं और उसका चार्जर। ये है GoPro Max, ये मैंने ले लिया 360 वीडियोस के लिए। इसके साथ 2 बैटरीज हैं। ये GoPro Hero 8 का बैटरी है और ये रहा GoPro Hero 8 और उसका वाटरप्रूफ वाला केस। ये है मेरा बोट का डुओपॉड गाना सुनने के लिए। ये रहा ड्रोन और उसका रिमोट। ये मैंने JBL का स्पीकर ले लिया है, अगर बोर लगा तो गाना वाना सुन सकता हूँ। ये है मेरा सनग्लास, मोबाइल, एक हार्ड डिस्क मैंने ले लिया है डेटा बैकअप के लिए। पावर बैंक मैंने 2 ले लिए, पहले ये मेरे पास पहले से था, ये 10,000 mAh का MI का, और मैंने बाद में दूसरा ले लिया पोट्रोनिक्स का 20,000 mAh क्योंकि मुझे लगता है लॉन्ग ट्रिप में ये 10,000 तो काम नहीं करने वाला है, मतलब ज़्यादा बैकअप तो नहीं दे पाएगा, तो मैंने अभी इसलिए पोट्रोनिक्स ले लिया। तो अभी मेरे पास 30,000 mAh हो गया तो अभी मैं सफिशियंट पावर कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। ये जो किट है ये मेरा बेसिकली टॉयलेटरी सामान है, ब्रश, पेस्ट, साबुन वगैरह उसमें सब है आ गए। और ये रहा मेरा मेडिसिन वाला किट। इसमें मैंने क्या लिया है, इसमें मैंने एक लिया है एंटी एलर्जी टैबलेट एविल ले लिया है, एक एंटीबायोटिक लिया है, पेन किलर लिया है, कहीं पे चोट लग जाए तो पेन वाला ऑइंटमेंट भी मैंने ले लिया है, डिक्लोफेनाक ऑइंटमेंट ले लिया है, बेटाडीन ऑइंटमेंट है मेरे पास, बैंडेड है, कॉटन स्वैब है, पेट वेट दुखे तो पुदीनहरा भी है। और रेगुलर मेडिसिन अगर आप कुछ खा रहे हो तो आप वो भी कैरी कर सकते हो। मेरा ऐसा कोई रेगुलर मेडिसिन है नहीं तो ये मेरा फर्स्ट एड किट हो गया। फर्स्ट एड किट क्या, मेडिसिन किट हो गया, मेडिसिन कम फर्स्ट एड किट। ये सॉक्स है,
और ये एक डियो ले लिया मैंने, ये फेस वॉश है, ये बहुत बढ़िया है, वाओ का फेस वॉश बहुत बढ़िया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मैंने मॉइस्चराइज़र ले लिया है निविया का, ये चारकोल स्क्रब है, क्योंकि बहुत पोल्यूशन होने वाला है, बहुत धूल मिट्टी मुंह में जमने वाला है, तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप जा रहे हो लद्दाख तो आपको ये लेना ही पड़ेगा, ये है सनस्क्रीन। मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये SPF 50 है, सबसे हाईएस्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसका रिजल्ट मेरे को बहुत सही लगता है, तो मैंने सनस्क्रीन भी ले लिया SPF 50 का। और इसके साथ मैं कैरी कर रहा हूँ ये बैग, इस बैग में आएगा मेरा लैपटॉप और कैमरे के सारे एक्सेसरीज इसमें आ जाएंगे, बेसिकली कपड़े छोड़ के बाकी सब कुछ इसमें आ जाएंगे, GoPro 360 का जो रॉड है, कैमरा के एक्सेसरीज, कैमरा वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएंगे, लैपटॉप सब कुछ। अच्छा, ये मैंने आपको बताना भूल गया, ये ओराजो का शूज़ है, वाटरप्रूफ शूज़ है ये, राइडिंग शू, ये मैंने नया लिया है और ये काफ़ी काम आने वाला है मुझे लद्दाख में, क्योंकि पहले मेरे पास जो शू था वो बारिश में भीग जाता था, बहुत दिक्कत होती थी, तो ये बारिश से आपको वाटर क्रॉसिंग से सबसे बचाएगा, तो ये मैंने ले लिया है। और ये है गार्डियन गियर्स का टेल बैग, ये मैंने ले लिया है, इसमें मेरे कपड़े और बाकी सारे सामान आ जाएंगे। तो बस बैग के नाम पे मैं ये दो बैग ले रहा हूँ, और अभी रिसेंटली मैंने शू लिया है, ये रिसेंट अपग्रेड है मेरा गियर्स का। तो ये हो गया मेरा सारा सामान जो मैं ले रहा हूँ। उसके अलावा एक चीज़ मैंने आपको दिखाना भूल गया, वो है ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये थोड़ा बड़ा सा, ये कार्स के लिए आता है, ये मैंने लिया है शाइनेक्स प्रो से। ये मैंने एक चीज़ दिमाग में रख के लिया था, मैं जब बाइक पे टेल बैग लोड करूँगा पीछे, तो वो बैग का जो फेंडर होता है, मैंने तो ऑलरेडी आपको बता दिया, मैंने PPF ऑलरेडी बाइक में पूरा करा के रखा है, पूरा बाइक PPF है मेरा, फिर भी जस्ट फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मैं इस क्लॉथ को बाइक के पीछे डालूंगा पहले फेंडर के ऊपर, देन मैं बाइक को बिठाऊंगा, ताकि अगर कुछ भी डैमेज होना हो तो वो अवॉइड किया जा सके। देखो, इफ़ यू आर नॉर्मल राइडर देन यू माइट और माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेकिन अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो अपने बाइक से बहुत प्यार करता है, देन आप समझोगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैंने ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ मंगा दिया है, और दैट्स इट। 3 हफ्तों के लिए मैंने 10 जोड़ी कपड़े ले लिए हैं, टॉप के शर्ट और टी शर्ट मिला के, और जीन्स मैंने सिर्फ 2 लिए हैं, और कार्गो एक मतलब पैंट 3 लिए हैं, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, शायद शायद मैं टॉप से कुछ माइनस कर दूँ, शर्ट तो 2 लेके ही जाऊँगा, आई थिंक टी शर्ट 1-2 माइनस कर दूँ, वो पैकिंग के टाइम में मैं डिसाइड करूँगा कि क्या कितना जगह हो रहा है नहीं हो रहा, मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं जाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू ट्रैवल हैवी, क्योंकि कुछ सामान है जो मेरे पास अभी नहीं है, मुझे लेना है दिल्ली से, तो दिल्ली में जो एक दिन हॉल्ट है मेरा, उस दिन मैं डिकैथलॉन जाऊँगा और एक विंटर लाइनिंग लूँगा राइडिंग जैकेट के अंदर पहनने के लिए, और एक रेन लाइनर भी लेना है, मेरे पास रेन गियर्स नहीं है, रेन गियर लेना है जैकेट के ऊपर का, और नीचे का पैंट भी लेना है, और उसके अलावा मुझे लेना है बैग के लिए रेन कवर, मेरे पास बैग का रेन कवर भी नहीं है, अभी तो मैं दिल्ली, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बारिश वारिश नहीं हो रही अभी, अभी तो भयंकर गर्मी हो रही है, सो अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं वहाँ से रेन गियर ले लूँगा अपने लिए और बैग के लिए, वो हो गया। इसके अलावा एक जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अभी नया अपग्रेड किया है गोप्रो हीरो 11, तो आपको अभी अच्छे क्वालिटी के वीडियोस देखने को मिलेंगे, लेकिन वो दिल्ली के बाद से, क्योंकि अभी जो मैं जा रहा हूँ दिल्ली तक, मैं गोप्रो हीरो 8 यूज़ करूँगा, क्योंकि इसका जो मीडियम मॉडल है 11 का, वो मेरे पास अभी है नहीं, मैंने ऑर्डर किया अमेजोन से, लेकिन जो मेरे घर आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसको भेज दिया अपने दोस्त के घर, वो दिल्ली ऑलरेडी पहुँच चुका है, मेरे दोस्त के पास है, वो मीडियम मॉड हो गया, और मैंने ड्रोन का एक एक्स्ट्रा एडिशनल बैटरी ऑर्डर किया था, मेरे एक बैटरी तो ऑलरेडी है, वो आधे घंटे का बैकअप देता है, इमरजेंसी के लिए रिस्क ना लेते हुए मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी भी ऑर्डर कर लिया, अगर कुछ ऑन द गो मैं चार्ज नहीं कर पाया, कुछ हो गया और मुझे ड्रोन उड़ाना है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी ले लिया, क्योंकि मेरे को पहले भी काफ़ी बार ऐसे दिक्कत हुई है, मतलब सारे फुटेजेस जो चाहिए मैंने ले लिए, लास्ट में कुछ आइडिया आता, अच्छा ऐसे करने से तो अच्छा होता, लेकिन तब मेरे पास बैकअप नहीं है, तो उसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी ले लिया, वो भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के लिए टाइम लग रहा था, तो मैंने उसको दिल्ली भेज दिया, मेरे दोस्त ने रिसीव कर लिया है, तो ये 2 चीज़ें इसमें जुड़ेंगी मेरे लिस्ट में, क्योंकि अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, मेरे पास है नहीं, ये 2 चीज़ें, मीडियम मॉड और ड्रोन का बैटरी, उसके अलावा रेन गियर्स खुद का और बैग का, वो जुड़ेगा, विंटर लाइनर एक जुड़ेगा, दैट्स इट, जितना सामान दिखा है उसके अलावा ये सारे एक्स्ट्रा मेरे साथ जुड़ने वाली है दिल्ली के बाद से। लैपटॉप माइनस हो जाएगा, लैपटॉप मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, लैपटॉप मैं दोस्त के घर में छोड़ दूंगा, बिकॉज एक्स्ट्रा लगेज, एक्स्ट्रा लोड लेना ही नहीं मुझे, जितना मिनिमलिस्टिक हो सके उतना कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ज़्यादा हो गया, देखता हूँ पैकिंग जब करूंगा तो तब देखूंगा, अगर कुछ ज़्यादा लगा तो इधर उधर थोड़ा हो सकता है मे बी, एक्सेसरीज तो जितना है वो तो लेना ही पड़ेगा, कपड़ों में शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ मैं, तो दैट्स इट। अभी टाइम हो गया रात के एग्जैक्टली 12 बज चुके हैं, और मुझे कल सुबह निकलना था 3 बजे, निकलना था इसलिए क्योंकि मैं 3 बजे निकल नहीं पाऊंगा,
तो कोशिश करूंगा कि 4-5 बजे तक निकल जाऊँ, उससे भी ज़्यादा लेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कल हज़ारीबाग जाना है। 9 बजे के बाद बहुत धूप होगी, मैं उसी को अवॉइड करने के चक्कर में मैं सुबह जल्दी निकलने वाला था, लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा। जो भी है अभी बिना सुबह मेरे जाना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादा एग्जॉस्ट लगेगा और मैं राइड के बीच में झपकी नहीं मार सकता, सो आई के नॉट टेक दैट रिस्क। अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, एक अच्छा सा 6 घंटा तो नहीं सो पाऊंगा, 4-5 घंटा, 3-4 घंटा सो लूंगा। 4 बजे उठ के रेडी होके मैक्सिमम आई थिंक 5 बजे तक मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। सो दैट्स हाउ द प्लान इज। मेरा टाइम अभी 2 घंटा शिफ्ट हो चुका है, और आई एक्सपेक्ट कि आपको मेरा हिंदी वाले ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। आई डोंट नो अब कैसा लग रहा है आपको, मुझे थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैं इंग्लिश में ब्लॉग करता था। तो ये एक नया कोशिश है, आई होप यू आर लविंग इट, लविंग माई हिंदी ब्लॉग्स। अगर आपका रिस्पॉन्स इस लद्दाख सीरीज में अच्छा रहा, देन आई कंटिन्यू व्लॉगिंग इन हिंदी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इसके बाद जो व्लॉग्स आएंगे वो आएंगे लद्दाख के ट्रैवल व्लॉग्स, जो है मैं घर आने के बाद ही अपलोड कर पाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जितना जल्द से जल्द हो सके उसको रेगुलर फ्रीक्वेंसी में अपलोड करता रहूँ। आपको अपडेटेड रहने के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो करना होगा, वहाँ पे मैं पिक्चर्स और रील्स रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। और इसके अलावा मैंने बाइक पे भी कुछ छोटे मोटे काम किया, पहले आप वो देख लो, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगा। तो इस ट्रिप पे मैं अपाचे RR 310 लेके जा रहा हूँ। बहुत सोचा मैंने कि कौन सा बाइक लूँ, RR लूँ या RS 200। फाइनली मैंने RR के लिए डिसाइड किया है ड्यू टू सेवरल रीजंस। पहला रीज़न है इसका ये एडजस्टेबल बैक और फ्रंट सस्पेंशन, तो ये दोनों सस्पेंशन एडजस्ट हो जाते हैं, जो कि लद्दाख राइड में मुझे काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है। मैं थोड़ा सॉफ्टर साइड में इसको एडजस्ट कर दूंगा, तो दिस विल बी रियली कंफर्टेबल। और दूसरा रीज़न है इसका टायर्स, मिशलिन रोड 5 टायर्स, सो इसका ग्रिप बहुत अच्छा होने वाला है, तो स्किडिंग वगैरह से तो बचा ही देगा। ये हो गए 2 मेजर पॉइंट्स जिसकी वजह से मैंने ये बाइक डिसाइड किया है। और एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है, जो पिलियन ग्रैब हैंडल है वो एक साइड आता है, बेसिकली सिर्फ राइट साइड का रहता है, लेकिन मैंने इसको चेंज करके दोनों साइड का करा दिया है। आपको एक्सेसरी शोरूम में भी मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो TVS के साइड से। तो ये है एक मेजर मॉडिफिकेशन जो मैंने किया था। और पीछे मैंने स्टिकरिंग वगैरह करा दिया है ले पेगासस, ये ट्रिप का नाम ले पेगासस होने वाला है, बिकॉज अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो रेगुलरली देन यू नो आई हैव नेम्ड माई बाइक एज पेगासस। RR 310 का नाम है पेगासस और RS 200 का नाम है फीनिक्स, तो इस बाइक के नाम पे मैंने ट्रिप का नाम रखा है ले पेगासस राउरकेला टू लद्दाख। इसके अलावा मैंने सामने भी स्टिकरिंग करवाया है, यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, और जगन्नाथ जी का फोटो एक लगा दिया मैंने। विद दैट नोट, बाइक इज़ रेडी फॉर द लद्दाख राइड, जय जगन्नाथ। इसे लेने का एक और मेजर रीज़न है इसका मीटर कंसोल, जिसमें कि आपको रेंज भी दिखा देता है। नॉर्मली ये सारे मीटर्स आपको सिर्फ फ्यूल इंडिकेटर दिखाते हैं, लेकिन इसमें फ्यूल इंडिकेटर के साथ ये रेंज भी दिखाता है। ये तो इसका ट्रिप मोड है, लेकिन नॉर्मल डिस्प्ले में भी ये रेंज दिखाता है, सो दिस विल बी रियली हेल्पफुल। तो मुझे हमेशा ये नॉलेज रहेगा कि कितना रेंज आएगा, उस हिसाब से मैं इसको रिफिल करता रहूँगा, सो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आई नो बाइक थोड़ा गंदा लग रहा है, अभी यहाँ से जाने के बाद मैं इसको पहले वॉश कराऊंगा और कल के राइड के लिए रेडी हो जाऊंगा। सो दीज आर सम रीजंस जिसलिए मैंने ये बाइक को सिलेक्ट किया, और मुझे RR 310 पे एक लंबा राइड पे भी जाना था, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए। सो RR 310 इट इज़। प्लीज़ कोऑपरेट, कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा सा कंटेंट ला के देने के लिए, इसलिए इतनी सारी तैयारियाँ की हैं मैंने। सो विश मी लक, दैट्स मी संदीप साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।